दानिशमंदा में सुबह शरारती तत्वों ने फुटबॉल फैक्ट्री में आग लगा दी, जिस कारण लाखों का नुकसान हो गया। फैक्ट्री मालिक बल्लू ने बताया कि जब वह सुबह 6:30 बजे उठा, उस समय तक सब ठीक था। कुछ समय बाद शरारती तत्वों ने फैक्ट्री में आग लगा दी, जिसके बाद उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक ने बताया कि इस आगजनी में उनका लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री इलाका विधायक सुशील रिंकू के रिश्तेदार की बताई जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो जानता जानता बंदा कोई शरारती को बंदा आग ला के चला गया, सानू पता लग गया 8:30 बजे जो पिछे ते आग ला के चला गया। कोई बंदा अग बहुत लग गई है, ये जिन्हें भी किया चलो अपने दो गड्डिया इतने अग बुझाने वास्ते गई। जी इतने अग लगी थी कि ना घर फैक्ट्री है उन्होंने बनाई थी फुटबॉल की स्पोर्ट्स कैरीज है, उन्होंने मालिक है राजकुमार जी, उन्होंने फैक्ट्री अग लगे। अग का तो पता नहीं लग्या भी किदा कि कारण लगी है। वो कह रहे थे कि किसी ने बाहरों आ गए साढ़े पीआक साइड तो कोई चीज़ सुटी है वह अलग लग गई। हाँ जी सर, जानी नुकसान तो कोई नहीं होया, पर जरा फैक्ट्री हो रियासी इलाके है जी सर, रस्ते तारा तूरा काफ़ी टाइट गलिया थोड़ी है, काफ़ी मुश्किल लगी है गड्डी पहुँचते सानू। बाकी उन्होंने कोई फायर का कोई अरेजमेंट नहीं, उन्होंने सेफ्टी का कोई अरेजमेंट नहीं जो असं फैक्ट्री सर। मुलाजम तो छुट्टी दे ही कह रहे हो बाद चो आते, पर फुटबॉल की फैक्ट्री से मैं बनाते फुटबॉल बंदे से स्पोर्ट्स कैरीज फैक्ट्री नाम, तकरीबन घंटा करीब लग ही गया जी।